सहकारी हमारे कृषि व्यवहार योजना जो पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री उन्होंने लागू की थी, उसका गरीबों को इतना फायदा मिला, लोगों को गांव गांव में इलाज मिला, आम गरीब आदमी इलाज कराता था और सरकार को दुआएं देता था। पिछली सरकार ने इसकी काफी मजाक उठाई और इसको रेवड़िया बांटने का नाम दिया, पेंशन योजना को रेवड़िया बांटने का नाम दिया, निशुल्क दवा योजना को जेल बताया, पर बंद नहीं कर पाए क्योंकि आम जन से जुड़ी हुई योजना। और आज फिर दोबारा सरकार आने के बाद में मजबूत इरादे के साथ में करीबन 650 से ज्यादा दवाइयां निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्रों पर मिल रही है और आम जनता को इसका स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है और एक आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी भी इसका लाभ ले रहा है। और ये समझता हूँ कि मैं वो दुआएं हैं जिससे सरकार आगे काम करेगी। और उसके अलावा जांच योजनाएं भी जिस तरह से जांचें फ्री की है, एक आम आदमी सोनोग्राफी, ये ईसीजी, एंजियोग्राफी फ्री कराएगा, कितनी बड़ी दिल की इच्छा, कितनी संवेदनशीलता, मानव के प्रति करुणा, ये भाव दर्शाया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। गंभीर से गंभीर इलाज भी, बीमारी का इलाज भी गरीब करा सकता है, ऐसी उसके मन में इच्छा शक्ति रहेगी, उसके मन में ये विश्वास रहेगा कि सरकार मेरे साथ। ध्यान आता है, पिछले बार में समाजे नए मंत्री था तब अनेक गंभीर लोगों के इलाज के मरीज हमारे पास आते थे और एक मात्र चिट्ठी लिखने से गंभीर बीमारी का इलाज, कैंसर का, हार्ट का, किडनी का इलाज भी उस गरीब का निःशुल्क होता था मुख्यमंत्री जीवन सहायता कोष से, रक्षा कोष से। तो जब से सरकार आई है उस भावना से राजस्थान के आम जन के कल्याण के लिए, गांव गरीब के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है और मैं समझता हूँ इस योजना का काफी लाभ राजस्थान को मिलेगा। और ये निरोगी काया राजस्थान, सबल राजस्थान बनेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं साधुवाद माननीय मंत्री महोदय आपको भी। एक निवेदन करना था मंत्री महोदय जी कि जिले में जो सीएमएचओ के अधीन पीएसयू सीएसटी में जो अस्थायी पैरा मेडिकल स्टाफ लगता है, वो डॉक्टर लगते हैं, वो उनकी मनमर्जी लग रहे जब भी ये सेवा प्रदाता कंपनी के संस्था के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से लगने चाहिए, वहाँ भारी भ्रष्टाचार की ऐसी गंध फैल रही है। इसको इस बजट में जब नया टेंडर हो उसमें आप प्रभाव से देखना, क्योंकि ये सीएमएचओ के लेवल पर बड़ी भारी धांधली हर दिन हो रही है, वो आपको प्रभाव से लगानी पड़ेगी, तब जाके वास्तविक लोगों को रोजगार मिलेगा और वास्तविक सेवा दे पाएंगे। मेरा भी विधानसभा क्षेत्र खंडाल में सर मंत्री महोदय, पूर्व सरकार ने पीएससी सिवाड़ को प्रमोट किया था। मंत्री महोदय आप सर को सीएससी किया था सिवाड़ को, जो बहुत बड़ा हमारा शिव जी का मंदिर है, वहां पर लाखों दर्शनार्थ किया थे। वो 28/5/18 को आदेश भी जारी कर दिए, 6 महीने इनकी सरकार रही और साल भर हमारे को हो गया, उस सीएससी का पता नहीं है। वो आदेश 23/5/18 का है और उसको बजट भी स्वीकृति दिखाई थी, पत्र भी दिखा रखा है, परंतु उसका कहीं कोई वोट दिखा नहीं। ऐसी अनेकों असत्य घोषणाएं कर बुरा कर सरकार पता नहीं कहाँ चली गई। अब मेरा आग्रह है कि उस सीएससी में सिवाड़ को बंद करने के लिए आप आदेश करेंगे। ऐसा अब उन्होंने कर दिया, जो भी किया झूठी घोषणा है, पर आप कृपया करके उस बात को पूरी करना है। द्वेषता नहीं हो, वो एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, इसलिए सीएससी बने, एससी ने भी आप संबोधित है। और एक मेरे सीएससी भगतगढ़ 108 एम्बुलेंस रही, इसके लिए मैंने आपको पत्र भी लिखा है, मुझे उम्मीद है कि आप 108 एम्बुलेंस जारी करेंगे। एक एनआरएचएम के संवेदना कर्मियों ने काफी दिनों से विभाग को नियमित करने की मेरा आग्रह है, पूरे राजस्थान के एनआरएचएम के कर्मचारी काफी दिनों से मांग भी कर रहे, हड़ताल भी कर रहे, अनुरोध भी कर रहे, सरकार से उम्मीद भी है, इसमें भी आप सहानुभूति बोल फरमाएंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। एक पिछली सरकार ने सर पीपीपी मोड पर कई पीएससी सीएससी ठेके पर दे दिए। मेरे यहाँ भंडार में भी पीएससी जो ग्रहण किए हमारे सरकार ने, कुस्तला और यशोड़ा, उनको उन्होंने पीपी मोड पर दे दिया। वहां पर वो ठेके वाली कंपनियां जो है, पीपी मोड वाली, वो जो ठेकेदार है, कम कीमत में, कम तनख्वाह में तो कर्मचारी लगाते हैं, डॉक्टर योग्य नहीं मिलते, गुणवत्तापूर्ण नहीं मिलते और ऐसी बेकार सुविधाएं मिल रही लोगों को। बजट पूरा जा रहा है, आधा पैसा ठेकेदार खा रहा है, आधा मेडिकल के अधिकारी खा रहे हैं और जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि पिछली सरकार सेम टू यू ऐसा बेच दो, बंद कर दो, नाम बदल दो, इसके अलावा क्या क्या आपने ठेके पे दे दिए। आधे पैसा बजट का, आधा पैसा बजट का मेडिकल के अधिकारी और ठेकेदार खा रहे हैं।
अब बंद करने के लिए तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि पीपी बोर्ड को लिए जो हमारे संस्थानों को स्वास्थ्य संस्थानों को बेचा गया था वो बंद करो, क्योंकि बेचने की परंपरा खत्म हो गई। नाम बदलना बंद कर दिया, राजीव गांधी सेवा केंद्र बदल दिया नाम, अटल सेवा केंद्र बना दिया ना वो वापस राजीव चंद्र सेवा केंद्र। तो मेरा आग्रह कि पीपी मॉडल मोड पर जो स्वास्थ्य केंद्र आपने दिए हैं कृपया करके वापस सरकार के अधीन लावे ताकि जनता को सच्चे रूप से स्वास्थ्य का लाभ मिले। दूसरी बात था स्वच्छता पर, सबने निवेदन किया है कि स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए, इसके लिए बजट भी आता है। मेरा आग्रह कि आप मोदी जी की तरह फोटो खिंचाकर इस काम को हाथ में मत लेना, आपको सच्चाई में काम करना कि स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वच्छता बनी रहे, वहां पर जो है डिलीवरी रूम्स के आसपास जो टॉयलेट्स हैं उन पर गंदगी का आलम रहता है, बजट भी जाता है, पर मेडिकल के अधिकारी पीएमओ सीएमओ जो कहा जाते हैं वो प्रभावी रूप से बजट लगे, स्वच्छता पूरा ध्यान हो, क्योंकि मेडिकल का जो प्रांगण होता है स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां पर चारों ओर गंदगी ना हो, क्योंकि उससे और बीमारियां फैलती हैं, और अगर गंदगी है और रोगी इलाज कर जाएगा तो दोबारा बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए आप फोटो खिंचाने वाले परंपरा को दूर करके फुकट की थैली उठाने का काम बंद करके आगे सच्चाई में जो है स्वच्छता पर गौर फरमाएंगे और प्रभावी रूप से इसमें मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे स्वास्थ्य केंद्र स्वस्थ रहेंगे और वहां पर लोगों का इलाज अच्छा होगा। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। फूड सेफ्टी पर माननीय सभापति महोदय सबने अपने आशंका जताई है, चिंता जताई है कि पूरे प्रदेश में जो मिलावट के बड़े काले कारनामे चल रहे हैं, दूध घी पनीर मसाले दालें मावे सब मिलावट के, तो मेरा आग्रह मंत्री मोदी आपसे कि संयुक्त रूप से अभियान चलाकर और सभी विभाग जो से रिलेवेंट है वो मिलकर अभियान चलाकर इन पर प्रभावी कार्रवाई करें, छापे मारें और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ मिलावट करो पर अंकुश लगेगा, उन पर कठोर पर दंड का प्रावधान रखें और मिलावट ना हो, हमारे देश के प्रदेश के जनता का स्वास्थ्य सही हो। मुझे एक आशंका और है माननीय सभापति मोदी मंत्री मोदी आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश में गाय कम है, गाय का दूध कम है, पर इतना सारा पतंजलि का देसी घी का दूध खांसे आता है, ये बहुत बड़ी गंभीर मेरी चिंता मन में रही है। इतना बड़ा भारी विज्ञापन देसी घी दूध का पतंजलि से लीजिए, गाय है नहीं दूध है नहीं घी कैसे बढ़ेगा वो आरा कैसे। मेरा निवेदन है एक साथ 20-25 बड़े बड़े इनके स्टोकों पर गोदामों पर छापे मरवाओ, पतंजलि के घी की जांच कराओ ताकि सच्चाई में पता लगे कि वो घी असली है कि नकली है, ताकि हमारे प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। दूसरी बात मेरा निवेदन ये है कि हमारी योजनाओं का प्रभावी प्रचार प्रसार होने के लिए, क्योंकि इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के लोगों को रोकथाम के, हमारे प्रदेश के लोगों के और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए आपने अनेक योजनाएं चला रखी, इसकी व्यापक प्रचार प्रसार की नीति आवश्यकता है। हमारे पंचायत समितियों पे, हमारे राज्य सेवा केंद्रों पे ये विज्ञापन जारी करा रहे हैं, खासतौर से जब मैं पिछली बार जनसंपर्क मंत्री था तो ये जो योजनाओं का प्रचार प्रसार रोडवेज के माध्यम से हम कराते थे, मैं पिछली बार बोल नहीं पाया, तो वो तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार रोडवेज के बसों पर लगाकर कराएंगे, तो गांव गांव जाएंगे, हमारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार होगा, बजट भी राजस्थान सरकार का बजट रोडवेज को जाएगा, रहेगा रोज को फायदा होगा और हमारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा और हमारे प्रदेश की जनता जागरूक होगी और हमारे युवाओं का हमारे जनता राजस्थान की जनता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और निरोगी राजस्थान की संकल्पना हमारे मुख्यमंत्री मोदी की मंत्री मोदी आपकी साकार हो और प्रदेश में अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर सके। धन्यवाद, जय हिंद।